तो हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेके किसी ब्रॉस यूट्यूब चैनल का। आज मैं सेल्फ अभिनव चौधरी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे बोल देना चाहता हूँ कि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है, तो उसको एक लाइक कर दे, शेयर कर देगा, जो हमारे चैनल का सब्सक्राइब कर दे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में गाइस मैं कुछ कैमरा लेंस का रिव्यू करने वाला हूँ, जो कि गाइस आपके मोबाइल फोन्स के लिए आते हैं। जैसे गाइस मैं आपको दिखा दूं, तो गाइस एक लेंस मैंने गाइस लगाया है, तो कि गाइस आप देख पा रहे हैं ये मेरा रेडमी नोट 7 प्रो है। तो गाइस इसमें मैंने ये एक लेंस लगाया है। तो गाइस अगर आपको जानना है कि इस टाइप की लेंस से आप किस टाइप की फोटोग्राफी कर सकते हैं और अपनी फोटोग्राफी को किस लेवल तक इनहांस कर सकते हैं, तो गाइस उसके लिए गाइस आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना होगा। और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो गाइस इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और गाइस चेक कर लीजिए गाइस आपने बेल आइकन प्रेस किया है कि नहीं, क्योंकि गाइस अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया होगा तो गाइस हमारी तरफ से जो भी नई वीडियोस आएगी वो सबसे पहले आपको नहीं मिलेगी। हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। सब्सक्राइब करें टेकी किसी ब्रॉस यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस और पिक्सआर्ट एडिटिंग ट्यूटोरियल्स के सभी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। इस लेंस का पैकेट जो कि गाइस आप देख सकते हैं, तो गाइस चलिए इसे मैं बाहर निकालता हूं और फिर गाइस आप पढ़ सकते हैं ऊपर की ओर यूनिवर्सल क्लिप लेंस। तो गाइस देख सकते हैं गुड प्रोडक्ट का यहाँ पे इसमें लोगो लगा हुआ है। और साइड की बात हो तो गाइस साइड में आप पढ़ सकते हैं यूनिवर्सल क्लिप लेंस। आप इसके कुछ डिटेल्स यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। फॉर आईफोन, सैमसंग, एचटीसी, आईपैड, टैबलेट, पीसी, लैपटॉप, 3-in-1 फोटो लेंस है इसमें गाइस आपको मिलता है देखने को। और बताया गया है कि आपको इसमें कौन कौन से लेंस मिलते हैं। तो गाइस इसमें आपको फिशाई का लेंस देखने को मिलता है, क्लिप देखने को मिलता है, वाइड एंगल एंड माइक्रो लेंस मिलता है आपको, लेंस कैप मिलता है, माइक्रोफाइबर लेंस क्लीनिंग क्लोज और बैग मिलता है। और पीछे की ओर बात करो तो गाइस पीछे की ओर आप कुछ डिटेल्स पढ़ सकते हैं। यूनिवर्सल क्लिप लेंस फिशाई आपको इस टाइप का क्वालिटी देगा, माइक्रो आपको देखने को मिलेगा, वाइड एंगल देखने को मिलेगा। वाइड एंगल माइक्रो लेंस फिशाई मेड इन चाइना का ये प्रोडक्ट है, जो कि गाइस आप देख पा रहे हैं। और इसकी प्राइस की बात को तो गाइस इसे मैंने ऑर्डर किया था ऑनलाइन, जिस जो कि मुझे इसका लगभग प्राइस पड़ गया था अप्रॉक्स 150 से 200 के बीच मुझे इसका प्राइस पड़ गया था। तो गाइस अगर आप भी लेंस के पैकेट को बाय करना चाहते हैं तो गाइस आप चाहे तो इसे ऑनलाइन बाय कर सकते हैं, या अगर आप इसे ऑफलाइन बाय करना चाहते हैं तो गाइस आप नियरली स्टोर से विजिट करके पता कर सकते हैं कि वहाँ पे आपको ये लेंस मिलता है या नहीं। गाइस मैं यहाँ किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, तो इसलिए गाइस मैं किसी भी शॉपिंग साइट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं दूंगा। अगर गाइस आपको इस लेंस के किट को बाय करना है तो गाइस आप इसे जाके सर्च कर ले अपने ऑनलाइन स्टोर्स पे, या अपने नियरली स्टोर्स पे जाके विजिट कर ले और वहां से गाइस आप इसे बाय कर सकते हैं। तो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो गाइस इस वीडियो में गाइस अगर उनके बाद में गाइस मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो गाइस आप देख रहे हैं कि मैं चलिए इस लेंस को बाहर निकाल लेता हूँ। तो गाइस बाहर निकालने के बाद गाइस देख सकते हैं इस बॉक्स में अब कुछ नहीं है। और गाइस ये रहा हमारा वो लेंस जो कि गाइस आप देख सकते हैं, इसमें गाइस 3 लेंस मिले हैं। तो गाइस इसे चलिए पैकेट से बाहर निकालते हैं, फिर गाइस मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो गाइस बाहर निकालने के बाद गाइस आप देख सकते हैं आपको ये सारी चीज देखने को मिलते हैं। आपको एक क्लोथ मिल जाता है, या मैं कह लूँ आपको एक कैरी केस देखने को मिलता है, जो कि आपको इस लेंस के साथ मिलता है, जो कि माइक्रोफाइबर का बना हुआ है। इस की मदद से आप अपने लेंस को क्लीन भी कर सकते हैं, या चाहे तो आप इसमें उसे कैरी भी कर सकते हैं, क्योंकि गाइस आप देख पा रहे हैं आपको इस टाइप का क्वालिटी इसका देखने को मिलता है। तो गाइस चलिए इसे साइड करते हैं और गाइस चलिए बढ़ते हैं लेंस की ओर। तो गाइस ये रहा आपको एक क्लिप, तो गाइस आपको इस टाइप का एक क्लिप देखने को मिलेगा जब आप ये लेंस बाय करेंगे। इस क्लिप की मदद से आप अपने इन लेंसों को अपने फोन्स के कैमरा पे सेट कर सकते हैं। और गाइस कुछ यहाँ पे आपको देख सकते हैं लेंस कवर्स दिए गए हैं, जो कि गाइस आप देख सकते हैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए डस्ट से। तो गाइस आप इसे भी चेक कर सकते हैं, लेंस आप पढ़ सकते हैं, इस पर लिखा हुआ है फॉर डिजिटल कैमराज एंड मोबाइल फोन लेंसेज। तो गाइस सबसे पहला लेंस गाइस आप देख सकते हैं ये एक है लेंस है। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि ये कौन सा लेंस है। तो गाइस इस लेंस को आप देख सकते हैं, जो कि आप देख पा रहे हैं आपको पता चल रहा होगा कि गाइस ये फिश आई लेंस है, जो कि 180 डिग्री एंगल पे ये शूट कर सकता है फोटोज। तो गाइस मैं आपको इस वीडियो में आगे गाइस मैं इस सारे लेंसों के रिव्यू दूंगा, तो गाइस आप इस वीडियो को स्किप नहीं करिएगा और इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए, क्योंकि गाइस अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक नहीं देखेंगे तो गाइस आपको ट्रूथ नहीं पता चलेगा कि इन लेंस की मदद से आप किस टाइप की फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं अगले लेंस की ओर। तो गाइस अगला लेंस आप पढ़ सकते हैं, इसमें गाइस 2 लेंस कंबाइन किए गए हैं और क्लीनिंग क्लोथ्स की मदद से आप गाइस इसे क्लीन कर सकते हैं। 2 लेंस कंबाइन किए गए हैं आप इसमें गाइस देख सकते हैं, यहाँ पे आपको 2 लेंस देखने को मिल रहा है। एक है वाइड एंगल लेंस आपको देखने को मिल जाता है, जो कि 0.67x है, और एक है गाइस मैक्रो लेंस, जो कि गाइस आप देख पा रहे हैं यहाँ पे।
तो गाइज ये दो लेंस आपको एक साथ कंबाइन किए हुए मिलते हैं। इन दोनों लेंस को गाइज आप एक दूसरे के बिना यूज नहीं कर सकते हैं। और गाइज इन्हें कैसे फिट करना है आपको इस क्लिप में, वो भी गाइज मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइज फिट करने के लिए गाइज आपको अपने इन क्लिप पे इन लेंसों को रखना है और गाइज इसे रोटेट करना है क्लॉक वाइज, फिर गाइज आपके ये लेंस जो है आपके इस क्लिप पे एडजस्ट हो जाएंगे, जो कि गाइज आप देख पा रहे हैं। तो गाइज चलिए मैं आपको सेट करके दिखा देता हूँ कि आपको इन लेंसों को कैसे सेट करना है अपने फोन के कैमरा पे। तो गाइज सेट करने के लिए गाइज सबसे पहले आपको पता करना होगा कि आपका मेन कैमरा कौन सा है। जो भी आपका फोन का मेन कैमरा होगा गाइज उस पे आपको इस लेंस को इस तरह से सेट कर देना होगा, जो कि गाइज आप देख पा रहे हैं। आपको अपने फोन के कैमरा को ऑन करना होगा तभी गाइज आप पता कर पाएंगे कि आपका लेंस परफेक्टली सेट हुआ है या नहीं। तो गाइज चलिए मैं आपको ले चलता हूँ बाहर, और गाइज मैं आपको बाहर ले चल के इन सारे लेंसेज के कुछ कैमरा सैंपल्स दूंगा, और गाइज मैं आपको ये बताऊंगा कि इन लेंसों की मदद से आप किस टाइप की लेवल की फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो गाइज चलिए चलते हैं बाहर। तो फ्रेंड्स पहला लेंस जो कि गाइज आप देख पा रहे हैं ये है गाइज फिश आई लेंस। तो गाइज चलिए मैं आपको बताता हूँ कि फिश आई लेंस लगाने के बाद आपको किस टाइप की कैमरा क्वालिटी देखने को मिलती है, और इसी तरह गाइज मैं आपको सारे लेंस के रिव्यू दूंगा। तो गाइज देख सकते हैं ये हमारा नॉर्मल मोड है कैमरा का, आप देख सकते हैं ये हमारा फ़ोन का नॉर्मल मोड व्यू, आप देख सकते हैं आपका नॉर्मल कैमरा आपको इस टाइप का व्यू देता है। और अगर गाइज आप फिशाई लेंस लगाते हैं तो गाइज फिशाई लेंस लगाने के बाद गाइज आपको इस टाइप का व्यू देखने को मिलेगा अपने फ़ोन के कैमरे में, क्योंकि गाइज आप देख पा रहे हैं। चलिए गाइज मैं आपको कुछ कैमरा सैंपल्स दे देता हूँ इसी फिशाई लेंस के बारे में, ताकि आप देख के समझ पाएं कि आपको किस टाइप की फोटो क्वालिटी देखने को मिलती है। तो गाइज ये नॉर्मल फोटो है जो कि मैंने क्लिक किया है अपने फ़ोन से, और गाइज अगली फोटो आ रही है जो कि मैंने फिशाई लेंस की मदद से क्लिक किया है, जो कि गाइज आप देख पा रहे हैं। और गाइज ये फिशाई लेंस का फोटो क्वालिटी है, और गाइज ये नॉर्मल मोड में है, और गाइज ये भी नॉर्मल मोड में मैंने फोटो क्लिक किया है। इसके बाद गाइज मैं आपको दोबारा दिखा दूँ, तो गाइज दोबारा से आप देख सकते हैं ये फिश आई लेंस में आपको इस टाइप की फोटोग्राफी देखने को मिलती है। तो गाइज चलिए चलते हैं अगले कैमरा की ओर, सैंपल की ओर। तो गाइज अगला कैमरा सैंपल मैं आपको दिखाने वाला हूँ मैक्रो लेंस का। जी हाँ गाइज, मैंने मैक्रो लेंस को सेट कर लिया है इस क्लिप के ऊपर, और गाइज अब मैं इसे फ़ोन में सेट करूँगा, और गाइज मैं आपको डायरेक्ट व्यू दिखाऊंगा कि आपको मैक्रो लेंस लगाने के बाद आपको किस टाइप का व्यू देखने को मिलता है। तो गाइज नॉर्मल फ़ोन का कैमरा आप देख सकते हैं, आप इस टाइप की डिटेलिंग आप कैप्चर कर सकते हैं अगर आपका फ़ोन का नॉर्मल कैमरे मोड में आप क्लिक करते हैं। तो गाइज अब मैं मैक्रो लेंस लगाऊंगा, और फिर गाइज आपको दिखाऊंगा कि आप कितनी अच्छी डिटेलिंग कैप्चर कर पाएंगे इस मैक्रो लेंस की मदद से। तो गाइज आप देख सकते हैं आप अच्छी खासी डिटेलिंग कैप्चर कर पाएंगे अगर आप इस मैक्रो लेंस का यूज़ करते हैं अपने फोटोग्राफी के दौरान। मैं आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करके दिखा रहा हूं, जो कि गाइज आप देख पा रहे हैं ये मैंने मैक्रो लेंस को लगा के वीडियो शूट किया है, जो कि गाइज आप देख सकते हैं। और गाइज इस लेंस को हटाने के बाद गाइज आप देख सकते हैं आपको किस टाइप की क्वालिटी देखने को मिलती है, और इस लेंस को लगाने के बाद आप कितनी डिटेलिंग में फ़ोटो के ऑब्जेक्ट्स को आप देख सकते हैं, आप ऑब्जेक्ट्स पे इतनी सारी डिटेलिंग्स में देख सकते हैं कि आपको किस टाइप की क्वालिटी देखने को मिलती है। तो गाइज ये है मैक्रो शॉट्स का कैमरा सैंपल, जो कि गाइज आप देख पा रहे हैं। मैक्रो शॉट्स कैप्चर करने के लिए गाइज आपको सब्जेक्ट के बहुत क्लोज़र में जाना होगा अपने इस फ़ोन में इस लेंस को लगाने के बाद, तभी गाइज आप मैक्रो शॉट्स कैप्चर कर पाएंगे, क्योंकि गाइज आप देख पा रहे हैं। तो गाइज आगे चलिए मैं आपको कुछ फोटो सैंपल्स दे देता हूँ इसी मैक्रो लेंस का। तो गाइज आप देख पा रहे हैं ये मैंने नॉर्मल मोड में फ़ोटो क्लिक किया है, और गाइज जो अगला फोटो आ रहा है ये गाइज मैंने मैक्रो मोड में क्लिक किया है, जो कि गाइज आप देख सकते हैं आपको एक छोटा सा इंसेक्ट भी देखने को मिल रहा होगा, जो कि इस प्लांट के लीफ पर बैठा हुआ, जो कि गाइज आप देख पा रहे हैं जो कि मैक्रो शॉट्स के दौरान कैप्चर हुआ है। आप देख सकते हैं आपको इस टाइप का बैकग्राउंड में बोके देखने को मिलेगा, जो कि हाईली बोके आपको देखने को मिल जाता है मैक्रो शॉट्स की मदद से। और गाइज आप देख सकते हैं आपको लीव्स के बहुत सारे डिटेलिंग पार्ट्स डिटेल पार्ट्स आप देख सकते हैं इस लेंस की मदद से। तो गाइज आप इस टाइप की फोटोग्राफी कर सकते हैं अगर आप मैक्रो लेंस का यूज़ करते हैं। तो गाइज चलिए चलते हैं अगले सैंपल की ओर। तो गाइज अगला सैंपल में मैं गाइज आपको अगला लेंस का रिव्यू देने वाला हूँ, उससे पहले गाइज मैं कुछ और सैंपल्स आपको दिखा देता हूँ इस मैक्रो लेंस के द्वारा, जो कि मैंने क्लिक किया था। तो गाइज अगला देख सकते हैं गाइज आगे अगले सैंपल में गाइज मैं आपको वाइड एंगल का लेंस का रिव्यू देने वाला हूँ। ये लेंस गाइज वाइड एंगल में फोटो शूट करेगा, तो गाइज इसका रिव्यू मैं आपको अब देने वाला हूँ। तो गाइज ये हमारा फ़ोन का नॉर्मल कैमरा है, मैं अभी वीडियो रिकॉर्डिंग के मोड में हूँ आप देख सकते हैं, और गाइज अब मैं वाइड एंगल का ये लेंस लगाने वाला हूँ हमारे इस फ़ोन पे। तो गाइज बिफोर आफ्टर आप अंतर देख पा रहे होंगे कि आपको किस टाइप का व्यू देखने को मिलता है हमारे इस फ़ोन में जब हम इस वाइड एंगल लेंस को लगाते हैं। हमारा फ़ोन का कैमरा वाइड एंगल कैप्चर करने लगा था जब जैसे ही मैंने इस लेंस को लगाया, और इस लेंस को हटाते ही गाइज हमारा फ़ोन का कैमरा नॉर्मल मोड में आ गया था।
तो गाइस ये अंतर आपको देखने को मिला होगा इस वाइड एंगल लेंस की मदद से आप इस टाइप की फोटोग्राफी कर सकते हैं। कुछ कैमरा सैंपल्स की बात करूँ तो गाइस आप कैमरा सैंपल्स देख सकते हैं, आपको किस टाइप की कैमरा सैंपल्स क्वालिटी देखने को मिलती है। ये नॉर्मल मोड में था गाइस, ये वाइड मोड में था। दोनों ही पिक्चर्स गाइस मैंने सेम ही पोजिशन से रह के क्लिक किया है, तो गाइस आपको अंतर ताकि पता चल जाएगा नॉर्मल मोड और गाइस ये आप देख सकते हैं ये रहा वाइड एंगल मोड। तो गाइस ये रहा हमारा कुछ सैंपल जो कि मैंने इस लेंस के द्वारा, जैसे मैंने आपको दिखाया कि इन कैमरा लेंस की मदद से हम किस टाइप की फोटोग्राफी कर सकते हैं, मैक्रो शॉट्स ले सकते हैं, वाइड एंगल शॉट्स ले सकते हैं, फिश आई की मदद से किस टाइप की फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो अगर आपको गाइस वीडियो पसंद आए हो तो गाइस इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने सारे दोस्तों के साथ और चैनल गाइस सब्सक्राइब करिए और बगल में जो गाइस बेल आइकन उसे भी गाइस प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे तरफ से जो भी नए वीडियो आए वो सबसे पहले आपको मिले। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम गाइस।